ये शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन, जिन्होंने 20वीं सदी में भारी तबाही और तानाशाही का पर्याय बने, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए थे। एडोल्फ हिटलर, 1939 में एडोल्फ हिटलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ये नामांकन स्वीडिश सांसद एरिक ब्रांड द्वारा किया गया था, लेकिन यह एक व्यंग्यात्मक और विरोधी इशारा था, जिसे हिटलर की शांति विरोधी नीतियों की आलोचना करने के लिए किया गया था। नामांकन जल्द ही वापस ले लिया गया, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से दर्ज है। बेनिटो मुसोलिनी, इतालवी तानाशाही बेनिटो मुसोलिनी को 1935 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस नामांकन का समर्थन करने वाले लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इटली में राजनीतिक स्थिरता और शांति स्थापित की थी। हालांकि मुसोलिनी के युद्ध छेड़ने और आक्रामक नीतियों के चलते ये नामांकन विवादास्पद था। जोसेफ स्टालिन, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन को भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दो बार नामांकित किया गया था। पहली बार 1945 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी को हराने में उनकी भूमिका के लिए नामांकित किया गया था। दूसरी बार 1948 में उन्हें युद्ध के बाद की पूर्ण निर्माण प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि स्टालिन के क्रूर शासन और सामूहिक हत्याओं की वजह से ये नामांकन भी विवादास्पद था। यह नामांकन घटना ये दर्शाती है कि नोबेल शांति पुरस्कार की प्रक्रिया कितनी जटिल और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है। हालांकि इनमें से किसी भी तानाशाह को पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उनके नामांकन ने नोबेल शांति पुरस्कार के ऐतिहासिक में एक असामान्य और विवादास्पद अध्याय जोड़ा है।